क्वेश्चन टू बी सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एट का जो सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू से स्टार्ट होता है फिफ्टी टू में क्या दिया है वॉट आर स्टेम सेल्स स्टेट इट्स टू टाइप्स तो इसका आंसर पेज नंबर एटी एट और एटी नाइन में दिया हुआ है वे वॉट आर स्टेम सेल्स का आंसर है स्टेम सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स दैट give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organisms. So, this answer of what is stem cells. Now, we name the two types, its answer is in the next page, diya hua hai, 89th page mein. Depending upon source, stem cells are of two types as embryonic stem cells and adult stem cells. फिफ्टी थर्ड क्वेश्चन वाई सम ऑफ द ऑर्गन इन द्यूमन बॉडी आर मोस्ट वैल्यूबल इसका आंसर का फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल सर्टन ऑर्गन लाइक किडनी स्किन एक्सेट्रा कैन बी डोनेटेड टू पीपल हु हैव लॉस द फंक्शन ऑफ दिज ऑर्गन्स और अ कम्प्लीटली फंक्शनलेस ड्यू टू एजिंग एक्सीडेंट्स इंफेक्शंस डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा दिस ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड To make the life comfortable of individuals in need. Second point after death, that is posthumous, organs like liver, heart, and eyes can be donated. Third point hence, these organs in the human body are most valuable. Fifty fourth question What is biotechnology? Give two examples of biotechnology. तो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्गैनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक साइटोलॉजी, बायो केमिस्ट्री मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर इंक्लूडेड इन बायो टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में सिर्फ दो एग्जाम्पल पूछा है तो साइटोलॉजी बायो केमिस्ट्री मालिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में से कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम सेल्स इन मेडिकल साइंस इसका आंसर जो है वो पेज नंबर एटी नाइन में दिया हुआ है स्टेम सेल्स आर यूज इन री जेनरेटिव थेरेपी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फर्स्ट वन रीजनरेटिव थेरेपी री जेनरेटिव थेरेपी का फर्स्ट वाला कौन सा है सेल थेरेपी स्टेम सेल्स आर यूज टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडीशन लाइक डायबिटीज माओकार्डियल इन्फेक्शन अल्जाइमर्स डिजीज पार्कजन्स डिजीज एक्सेट्रा बी क्या है टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन कंडीशन लाइक अनीमिया थैलिसीमिया ल्यूकीमिया एक्सेट्रा सेकेंड वन क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लानटे इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन लाइक किडनी एंड लिवर दोस कैन भी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स एंड ट्रांसप्लानटेड फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन जो है लेसन नंबर एट का लास्ट क्वेश्चन है ऑफ आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है एक्सप्लेन वैक्सीनेशन इसका आंसर जो है पेज नंबर नाइन्टी थ्री और नाइन्टी फोर में दिया हुआ है पेज नंबर नाइन्टी थ्री में क्या दिया है वैक्सीन इज एंटीजन कंटेनिंग मेटीरियल गिवन टू एक्वायर आई द परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन और डिजीज ट्रेडिशनली वैक्सीन वो प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजेंस

एसरे किया कॉली कंजम्पशन ऑफ दिस रॉ पटेटो जेनरेट द इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉलेरा एंड द डिजीज कॉज ड्यू टू एसरे किया कॉली फिफ्टी थर्ड गिव रीजन जो है वो लेसन के एंड का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर फाइव सब क्वेश्चन सी दोनों भी सेम ही है और क्वेश्चन नंबर फाइव सब क्वेश्चन ई जो है वो फिफ्टी सिक्स गिव रीजन जो है दोनों सेम ही है क्वेश्चन टू बी राइट शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन और क्वेश्चन ट्वेंटी एट जो है वो लेसन नंबर सेवन से रिलेटेड है क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन में क्या पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोबियल इनोकुलेंस ये पेज नंबर एटी फाइव में दिया हुआ है यहाँ से लिखना है सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोकुलेंस आर प्रोड्यूस बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन दीज इनोकुलेंस आर स्प्रेड ऑन सीड्स बिफोर सोइंग एंड सम ऑफ द इनोकुलेंस आर रिलीज इन टू प्लांट्स माइक्रोब्स इन द इनोकुलेंस हेल्प इन प्लांट ग्रोथ बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स they improve the quality of vegetarian food solution containing azotobacter and artificial nitrogenous is used in organic farming soil pollution occurring due to chemical fertilizers is prevented due to use of these solution next question is question number 28 write short note on bio insecticide vobi page number 85 me diya yasalichna bacterial and fungal toxins which can destroy pests and pathogens can be directly integrated into plants with the help of biotechnology. Being toxic to insects, they do not consume the plants. Similar to bacteria, some species of fungi and viruses are useful as pesticides. For example, spinosad, a byproduct of fermentation, is a biopesticide. लेसन नंबर एट का राइट शॉर्ट नोट्स जो है वो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में क्या पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन इसका आंसर जो है वो पेज नंबर नाइन्टी में दिया है यहाँ से स्टार्ट करना है ड्यू टू प्रोग्रेस इन साइंस से लेके यहाँ तक लिखना है मैंने गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट बॉडी डोनेशन तो ये दोनों पैरा फर्स्ट सेंटेंस छोड़ के बाकी दोनों पैरा लिखना है क्वेश्चन नंबर थर्टी राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन इसका आंसर जो है वो पेज नंबर नाइनटी सिक्स में दिया है वेरियस मेथड्स अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम ईल्ड फ्रॉम मिनिमम एंड मिनिमम लैंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ से लेके कर यहाँ तक लिखना है स्वामीनाथन इंडिया हैव वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रीन रेवोल्यूशन सो वेरियस मेथर्ड से लेके ग्रीन रेवोल्यूशन तक पूरा लिखना है थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन वाइट रेवोल्यूशन इसका जो आंसर है वो पेज नंबर नाइन्टी सेवन में दिया हुआ है वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया व रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से लेके यहाँ तक लिखना है प्रिजर्वेशन तक uh, performed for quality control near dairy products and their preservation तो so, यहाँ से लेके various parts से लेके preservation तक पूरा लिखना है उसी तरह next question जो है question number thirty two write short note on blue revolution ये भी page number ninety seven में दिया है यहाँ से लिखना है production of various useful aquatic organisms से लेके cultured on large scale यानी ये पूरा लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना, लिखना है for blue revolution Thirty-third question write short note on pearl culture. Pearl cul culture ka jo short note hai, you will not get in the textbook of 10 standard, but you have studied in your earlier standard. Pearl culture, when a foreign particle accidentally enters into the space between mantle and shell of the oyster, it adheres to the mantle. Second point, the mantle epithelium encloses it like a sac and starts to secrete. Concentric layers of nacre around it has a defensive mechanism. Third point, nacre is secreted continuously and deposited around the foreign particle, and over a period of time, hard and glossy pearl is formed. Uh, last point, now round pearls are cultivated by implanting a nucleus in an oyster. The animal protects itself from this foreign body by secreting layers of nacre around it. दैर बायो फॉर्मिंग अर्ल दिस इज नोन एज कल्चर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर जो है वो लेसन नंबर एट का राइट शार्ट नोट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में क्या पूछा है राइट शार्ट नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी इसका आंसर जो है पेज नंबर नाइन्टी वन में दिया है यहाँ से स्टार्ट करना है बायो टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल से लेके यहाँ तक यूज़ ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक्स क्वेश्चन टू बी डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग लेसन नंबर एट का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग जो है क्वेश्चन नंबर खाली एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोटीन दैट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल काओ एंड जर्सी काउ इसका आंसर इसका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा लोकल काओ का लोकल काउ गिव्स लेस क्वांटिटी ऑफ मिल्क और जर्सी काओ का क्या रहेगा जर्सी काउ गिव्स मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क सेकंड पॉइंट लोकल काओ हैज हम्प एंड बिग हॉर्न्स और यहाँ पे आएगा जर्सी काओ लैक्स हम्प एंड बिग हॉर्न्स Third point, the dung of local cow contains more microbes and micronutrients approximately 85 to 90 percent. Or here the dung of Jersey cow contains less microbes and micronutrients approximately 50 percent to 60 percent. Fourth point, local cows are active or here Jersey cows are inactive. They generally prefer to sit idle at one location. Question 3, answer the following questions. अभी 61st और 62nd क्वेश्चन जो है 61st एंड 62nd क्वेश्चन ये दोनों भी लेसन नंबर 7 का है 61st क्वेश्चन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोबियल इनोक्ुलेंट्स इन प्लांट्स ट्रांसप्लांटेशन कट करके इनोक्ुलेंट्स डालना ये पेज नंबर 85 में दिया हुआ है सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोक्ुलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन These inoculants are sprayed on seeds before sowing and some of the inoculants are released into plants microbes in the inoculants help in plant growth by supplying nutrients they improve the quality of vegetarian food solution containing azotobacter and artificial nitrogenous is used in organic farming soil pollution occurring due to chemical fertilizer is prevented due to the use of these solution yahan have 62nd question explain प्रोडक्ट्स मेड एंड दे यूज फ्रॉम माइक्रोब्स इसका आंसर जो है डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ योगर्ट बटर एंड हाउस होल्ड आइटम्स लाइक इडली ब्रेड विनीगर आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स प्रोबायोटिक्स लाइक योग कैफे साउक्राउट मिसो सूप एक्सेट्रा प्रोड्यूस बाई माइक्रोबियल फर्मेंटेशन Beverages like coffee, cocoa, wine, and cider are produced by microbial fermentation. Antibiotics like penicillin, natamycin, etc., are produced by using microbial fermentation. Microbes are used for the production of fuels in pollution control and sewage management. लेसन नंबर एट का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री में क्या दिया है कम्प्लीट द चार्ट तो ये चार्ट दिया है बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूछा और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसका सिक्स पॉइंट्स लिखना है लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड दिस इज सेम ओनली नो वॉट इज द आंसर ऑफ दिस बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्रॉप्स देट कैन रेसिस द एन्वामेंटल स्ट्रेस थर्ड में वैक्सीन्स एंड एडिबल वैक्सीन्स फोर्थ एनिमल हजबेंड्री फिफ्थ जीन थेरेपी एंड सिक्स वाइनस डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग यू कैन सी लेसन के एंड जो एक्सरसाइज है सेम क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूछा है यहाँ पे एट बॉक्सेस दिया है लेकिन क्वेश्चन बैंक में जो था उसमें सिर्फ छः बॉक्सेस दिया हुआ है सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन राइट द करेक्ट आंसर्स इन सर्कल्स तो इस सर्कल्स में राइट right आंसर्स लिखना है बीच में क्या दिया यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स तो इसका आंसर क्या है सेल थेरेपी टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर सेवन और ये क्वेश्चन सेम ही है और ये आंसर जो है वो पेज नंबर एटी नाइन में दिया हुआ है यू कैन सी ओवेयर सेल थेरेपी टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स ऑर्गन ट्रांसप्लान दिज आर द यूज ऑफ़ स्टेम सेल्स और ये एंड ऑफ द लेसन में क्वेश्चन नंबर सेवन जो है यूज ऑफ़ स्टेम सेल्स उसका तीन सर्कल्स में फिल करना है सो सेम क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में भी पूछा हुआ है सिक्सटी फिफ्थ क्वेश्चन राइट प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे फील्ड कौन सा फील्ड से रिलेटेड है दैट दैट नेम्स ऑफ इज गिवन और उसका यूजेस क्या है दैट वी हैव टू राइट डाउन ए का क्या है क्वेश्चन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी इसका जो आंसर है पेज नंबर नाइन्टी फोर में दिया है तो यूजेस यूजेस में क्या लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव ईल्ड एंड वेराइटी नेक्स्ट वन हाइब्रिड सीड्स ये भी पेज नंबर नाइनटी टू में दिया है हाइब्रिड सीड्स में यूज क्या है जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म

तो ये टेबल का सारा यूजर्स जो है वो पेज नंबर नाइन्टी टू में मिल जाएगा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी हाइब्रिड सीड और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन तो ये फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए बी सी को आंसर करना है क्वेश्चन ए में क्या पूछा विच प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेम सेल इज शोन इन द फिगर तो आंसर है द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेम सेल शोन इन द फिगर शोन इन फिगर इज प्लूरोपोर्टेंसी तो आंसर क्या है द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेम सेल शोन इन फिगर इज प्लूरोपोर्टेंसी ये जो आंसर है वो पेज नंबर एटी नाइन में दिया हुआ है दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज़ कॉल्ड एज प्लूरोपोर्टेंसी क्वेश्चन नंबर बी राइट द नेम ऑफ द सेल्स और ऑर्गन डिनोटेड बाई एक्स एंड वाई तो ये फिगर में एक्स और वाई जो डिनोट किया हुआ है उससे कौन सा ऑर्गन ग्रो होता है दैट वी हैव टू राइट डाउन तो एक्स क्या है यहाँ पे न्यूरॉन और वाई क्या है यहाँ पे इंटरस्टाइन यू कैन सी दिस फिगर इज़ गिवन इन पेज नंबर 90 ये फिगर दिया हुआ है तो एक्स क्या था न्यूरॉन और वाई क्या था इंटरस्टाइन यू कैन सी एक्स इज़ व्हाट न्यूरोन एंड वाई इज़ वाट इंटस्टाइन क्वेश्चन नंबर सी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन कल्चर फ्रॉम स्टेम सेल्स इसका आंसर पेज नंबर एटी नाइन में दिया है stem cells are primary type of undifferentiated cells with self-multiplying ability and they are parent cells of all types of human cells it has been found that if these stem cells are collected well before the beginning of differentiation on 14th day that is during 5th to 7th day and cultured with certain biochemical stimulus in laboratory as per the stimulus they can transform themselves into desired type of cells दर बैट टिश्यूज एंड फाइनली इन टू ऑर्गन्स उसके बाद ये पॉइंट लिखना है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन लाइक किडनी एंड लिवर दो कैन बी प्रोड्यूस विद्प ऑफ स्टेम सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड सिक्सटी सेवंथ क्वेश्चन कम्पलीट द पैराग्राफ तो ये पैराग्राफ में कहाँ कहाँ ब्लैंक्स दिया है उसे फिल करना है और ये ब्लैंक में क्या फिल करना है वो ब्रैकेट में दिया है यू हैव टू पिक आउट दी वर्ड फ्रॉम देर डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर फॉर्म बाय डैश ऑफ स्टेम सेल्स फर्स्ट ब्लैंक में आएगा डिविजन तो यहाँ पे आएगा डिविजन ऑफ स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द डैश बाय विच द फीटस इज ज्वाइंट टू द यूट्रस ऑफ द मदर सेकेंड ब्लैंक में आएगा अम्बलिकल कॉर्ड सो so, यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड ब्लैंक में स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द दम्बलिकल कॉर्ड बाय विच द फीटस इज जॉइंट टू द यूटरस ऑफ द मदर स्टेम सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस डैश स्टेज ऑफ एम्ब्रॉयिक डेवलपमेंट यहाँ पे क्या आएगा ब्लास्टोसिस्ट सो इट इज प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रॉयिक डेवलपमेंट स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन डैश एंड डैश कनेक्टिव टिश्यू तो यहाँ पे आएगा रेड बोन मैरो और यहाँ पे आएगा एडिपोस तो स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग्स इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड द डैश पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ दी स्टेम सेल तो लास्ट ब्लैंक में क्या आएगा डी अभी ये जो पैराग्राफ है वो पेज नंबर एटी नाइन में दिया है स्टेम सेल से लेके स्टेम सेल्स तक तो यहाँ से लेके कर यहाँ तक दिया है सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस जो है वो नहीं दिया हुआ है तो डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ स्टेम सेल्स दैट इज नॉट देयर इन दैट पैराग्राफ बाकी सब यहाँ पे दिया है स्टेम सेल से लेके कर यहाँ तक स्टेम सेल्स तक है सिक्सटी एट क्वेश्चन वॉट इज मैन बाय बायोटेक्नोलॉजी वॉट डज इट इंक्लूड इसका आंसर जो है पेज नंबर नाइन्टी वन में दिया है Biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in organisms for human welfare. Various branches of science, like cytology, biochemistry, molecular biology, and genetic engineering, are included in biotechnology. 69th question Explain the commercial applications of biotechnology with examples. Iska answer jo hai. First point Biotechnology is used in the field of agriculture in order to improve crop variety and yields by techniques such as genetic modification hybridization etc second point techniques such as artificial insemination and embryo transfer are useful in animal husbandry to improve quality and quantity of animal products like milk wool meat etc third point biotechnology has applications for the welfare of human health in diagnosis and treatment of diseases using vaccines interferons antibiotics etc also gene therapy and therapeutic cloning have application in treating genetic disorders fourth point biotechnology is used for the manufacture of industrial products, environmental management, food processing, green revolution, white revolution, blue revolution. Last point DNA fingerprinting techniques play an important role in forensic sciences, and identity of father of any child can be established. 70th question: How can we save the lives of many people by organ donations? This is answer of page number 90. Diya hai. Life of many people can be saved by organ and body donation. Blinds can regain the vision. Life of many people can be rendered comfortable by donation of organs like liver, kidneys, heart, heart valves, skin, etc. Similarly, body can be made available for research in medical studies. सेवेंटी फर्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसका आंसर और सिक्सटी नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर दोनों का आंसर सेम है तो वॉट इज द आंसर ऑफ सेवेंटी फर्स्ट क्वेश्चन सेम लाइक सिक्सटी नाइन्थ क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी एंड ईल्स बाई टेक्नीस सच एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन एक्सेट्रा सेकेंड पॉइंट टेक्नीक सच एज Artificial insemination and embryo transfer are useful in animal husbandry to improve quality and quantity of animal products like milk, wool, meat etc. Third point biotechnology has applications for the welfare of human health in diagnosis and treatment of diseases using vaccine, interferons, antibiotics etc. Also gene therapy and therapeutic cloning have application in treating genetic disorders. Fourth point: Biotechnology is used for the manufacture of industrial products, environmental management, food processing, green revolution, white revolution, blue revolution. Last point: DNA fingerprinting techniques play an important role in forensic sciences and identity of father of any child can be established. Seventy-second question: How is biotechnology useful for human health? Its answer, Jo is page number ninety-three, is hai Biotechnology helps to identify the role of a gene, if any, in disease of a person. Diagnosis of diabetes and heart diseases has become possible even before the onset of symptoms with the help of biotechnology diagnosis of the diseases like aids dengue can be done within few minutes hence treatment can be done at the earliest Uske baad se likhna hai, due to biotechnology insulin can be prepared with the help of bacteria for this purpose human insulin gene has been inserted into the genome of bacteria various vaccines and antibiotics are also produced in the same way सेवेंटी थर्ड क्वेश्चन वॉट इज मैन बाई क्लोनिंग एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इसका आंसर जो है पेज नंबर नाइंटी फोर और नाइन्टी फाइव में दिया है प्रोडक्शन ऑफ रेप्लीका ऑफ एनी सेल और ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिजम इज कॉल्ड क्लोनिंग उसके बाद ये लिखना है टाइप्स ऑफ क्लोनिंग आर एस फॉलोर्स फर्स्ट वन इज वॉट रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और क्लोन कैन बी प्रोड्यूस बाई फ्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल्स विद ए न्यूक्लिएटेड ओवम ऑफ एनी बॉडी देर इज दस देर इज नो नीड ऑफ स्पर्म टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है थेरोपेटिक क्लोनिंग स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव फ्राम द सेल फॉर्म्ड इन लेबोरेट्री बाई द यूनियन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्स विद्यूक्टेड एक्स सेल वेरियस डिजीजेज ऑल्सो कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दीस स्टेम सेल्स सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन राइट यूज ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इसका आंसर जो है वो पेज नंबर नाइनटी सिक्स में दिया है डी एन ए सीक्स ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल डी एन एट इज़ मेनली यूजफुल इन फोरेंसिक क्रिमिनल कैन बी एसड विद हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी फाउंड एट द टाइम एट द साइट ऑफ क्राइम सिमिलरली आइडेंटिटी ऑफ फादर ऑफ़ एनी चाइल्ड कैन बी इस्टबलिश्ड सेवेंटी फिफ्थ क्वेश्चन हाउ इज़ बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसका आंसर जो है पेज नंबर नाइंटी टू और नाइन्टी थ्री में दिया है बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव ईल्ड एंड वेराइटी फर्स्ट वन ए हाईब्रिड सीड्स जीन्स ऑफ टू डिट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स दिस इज एस्पेश फॉर फ्रूट्स बी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्रॉप्स डेवलप विद डिजायर्ड करेक्टर्स बाई इंटीग्रेटिंग फॉरिन जीन विदम आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हाई इल्डिंग वेराइटीज विस टू डिजीजेस एल्किनिटी वीड्स अदर स्ट्रेस लाइक कोल्ड एंड रॉड इज पॉसिबल ड्यू टू बायो टेक्नोलॉजी उसके बाद नेक्स्ट फेज में दिया हुआ है ड्यू टू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉसफेट सॉलिबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लांट्स आर इम्प्रूव

Du during spraying insecticides, people should cover their hands, mouth, and face to avoid exposure to harmful chemicals. Second point In order to prevent entry of insecticides into the food web, water resources, and its biomagnification, excess of insecticides should be avoided. Third point Use of organic insecticides should be encouraged to reduce the level of toxicity. Last point To reduce environmental pollution chemical insecticide should be sprayed only when required 77th question why are medicinal plants being cultivated nowadays iska answer jo hai first point first point kya hai? medicinal plants can be used to treat diseases through age old traditions like ayurveda second point adhatoda vasika that is adults adulsa a medicinal plant found in india is used to treat cough Third point azadi Rakta indica that is neem is used to treat intestinal worms, infections, skin conditions and various other problems. Fourth point medicinal plants like ashwagandha, tulsi, satavari, amla etc are used to treat various ailments. सेवेंटी एट क्वेश्चन हाउ इज़ बायो टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फ्रूट प्रोसेसिंग फूड को कट करके फ्रूट लिखना है हाउ इज़ बायो टेक्नोलॉजी यूज इन फ्रूट प्रोसेसिंग ये एंड ऑफ द लेसन में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन फाइव डी सेम क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो पेज नंबर नाइन्टी नाइन में दिया है We are daily using various products prepared from fruits. All are consuming the products like chocolates, juices, jams and jellies. All these products can be produced by processing on fruits. Fruits are perishable agro produce. It needs a processing in such a way that it can be used throughout the year. Fruit processing includes various methods ranging from storage in cold storage to drying, salting, airtight packing, preparing murabba, evaporating etc. सेवेंटी नाइन क्वेश्चन वॉट इज मैन बाई स्टेम सेल्स राइट इट्स टाइप्स ये पेज नंबर एटी एट और एटी नाइन में दिया है टेक्सट बुक का स्टेम सेल्स आर स्पेशल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्लाजम टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्ला ऑर्गेनिज्म और उसका नेक्स्ट टाइप्स जो है वो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन सो स्टेम सेल्स आर ऑफ टू टाइप हैज्रॉयिंग स्टेम सेल्स एंड अडल्ट स्टेम सेल्स क्वेश्चन नंबर एटी डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स गिव टू एग्जाम्पल इसका जो आंसर है पेज नंबर नाइन्टी टू में दिया है क्रॉप्स डेवलप विद डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विद अदर आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्जाम्पल बी टी कॉटन बी टी ब्रिंजॉल गोल्डन राइस क्वेश्चन में गिव टू एग्जाम्पल्स है तो ये तीनों एग्जाम्पल में से कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं एटी फर्स्ट क्वेश्चन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स मैंशनिंग द एडवाटेजेस उसका आंसर जो है वो पेज नंबर नाइनटी थ्री में दिया है ड्यू टू यूज़ ऑफ़ बायो फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सॉलिबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लाट्स आर इम्प्रूव मेनली द बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एजोबैक्टर नॉस्टैक एनाबेना एंड प्लान लाइक एजोला आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स अभी इस वीडियो में सिर्फ एट्टी फर्स्ट क्वेश्चन तक का आंसर्स दिया हुआ है नेक्स्ट वीडियो में 82 टू ऑनवर्स जो क्वेश्चन है उसका आंसर्स डिस्कस करेंगे